इनके लब रंगी जो नमाज़े सफ़र पे कज़ा हूँ इनको अदा करने का, तो कज़ा उमरी के ऊपर मुकम्मल दो पार्ट बनाए जा चुके हैं, उसके अंदर गालिबन सारी तफसील जो है वो होगी। इस मसला भी शायद ये वाला भी दर्ज होगा, आप यूट्यूब पे सर्च कर लें सिकंदर वारसी अबाउट कज़ा उमरी या कज़ा नमाज, तो इस तरीके से वो वीडियो आपको आसानी से कोई भी वीडियो मिल जाएगी, अगर उसमें नाम के साथ आप वो मसाले के अल्फाज जो हैं या फिर ये के टैग वगैरह ऐड कर देंगे तो वो वीडियो आपको मसाइल शरीयत चैनल से मिल जाएगी। तो ये कि कज़ा नमाज जो जिस हाल में कज़ा होती है उसको उसी हाल में अदा करना होता है और बंदा मौजूद कहीं हो इससे भी मतलब नहीं होता। मसलन ये कि आप अपनी ज़िंदगी में कहीं सफ़र किया 10 दिन का और वहाँ नमाज़ें नहीं पढ़ी, तो वो सफ़र की हालत में 10 दिन की नमाज़ कज़ा हुई। अब आप ज़िंदगी में कज़ा उम्री मुकम्मल करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि वो 10 दिन की नमाज़ आप जो फ़र्ज़ थे वो 4 वाले आप 2 ही पढ़ेंगे, यानी वो शॉर्ट ही पढ़ी जाएगी कज़ा उम्री मुकम्मल करते वक्त भी। भले ही आप अपने फ़िलहाल घर पर हैं, घर पर पढ़ेंगे तो भी उसको शॉर्ट पढ़ेंगे, यानी देखा ही जाएगा कि कज़ा का जो मकाम था वो कहाँ था, या घर यानी आप मुकीम थे या फिर आप मुसाफिर थे, ये चीज़ देखी जाएगी। और अगर आप ये कि सफ़र पे हैं और सफ़र पे आपके पास वक्त है, यानी किसी मेहमानदारी में आप 8-10 दिन के लिए गए और आपके पास खाली टाइम है और आप सोचते हैं कि कज़ा उमरी पढ़ लें, लेकिन आप सफ़र पर, तो सफ़र की हालत में यानी जब आप मुकीम थे उस हालत की नमाज़ों को सफ़र में मुकम्मल करेंगे तो पूरा करेंगे। तो इसलिए अगर आप सफ़र पे भी कज़ा उमरी पढ़ रहे हैं और वो कज़ा जो है वो अपने घर की हैं तो पूरी पढ़ें सफ़र पर रहकर भी, और जो नमाज़ सफ़र में कज़ा हुई उनको आधी पढ़ें, चाहे सफ़र पे ही पढ़ें या घर आके पढ़ें, हर सूरत में वो आधी पढ़ी जाएंगी। पत्थर में